आज की जैसी आतिशबाजी ना तो शायद आपने किसी शादी में देखी होंगी ना और किसी समारोह में देखी होंगी। जैसी ठाकुर जी की आतिशबाजी होती है बड़ी ही भव्य और दिव्य होती है। आज आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कैसे ठाकुर जी का आज डोला निकलता है, कैसे रथ पर विराजमान होके कौन से रथ पर विराजमान होके आज जाएंगे, कैसी उनकी बारात जैसी शोभा होगी। तो संपूर्ण आनंद लेने के लिए आज आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण आतिशबाजी और पालकी में सवार होके ठाकुर जी आज भक्तों को कैसे दर्शन देते हैं उसकी संपूर्ण महिमा जान सकें। आज लगभग 5 लाख लोग इस आतिशबाजी को देखने के लिए आए हैं, तो क्या खास बात है, चलते हैं और जानते हैं। ब्रह्म महोत्सव में ठाकुर जी 10 दिन तक भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं और संपूर्ण दर्शन भक्तों को कराते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको रंगनाथ जी की बहुत ही भव्य आतिशबाजी दिखाने के लिए लेकर आए हैं इस वृंदावन की पावन। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, आतिशबाजी का बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है और ये 10 दिन का उत्सव होता है। ये रंगजी मंदिर में उत्सव होता है, जो कि बड़े ही अद्भुत और दिव्य यहाँ पर दर्शन होते हैं आतिशबाजी के। और ऐसी आतिशबाजी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। आज हम आपको उस आतिशबाजी के भव्य दर्शन कराएंगे, जो कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं और आके यहाँ पर अपने ठाकुर रंगनाथ जी के इस भव्य आतिशबाजी में आनंद लेते हैं। ये देखिए आप, ये हैं वो आतिशबाजी जो अभी अभी यहाँ पर चली हुई हैं, और अभी इनमें जितनी भी खाली बची हुई हैं उनको चेक किया जा रहा है कि कोई खाली तो नहीं बची है। जितनी भी खाली बची होंगी वो सभी यहाँ पर चलेंगी, और भक्तों का जो सैलाब है वो इतना अत्यधिक ज़्यादा है यहाँ पर, जिसका आज रंगनाथ मंदिर में से ठाकुर जी की जो सवारी है वो घोड़े पर निकली है। ये आप देखें, यही वो सवारी है। ये देखें, यहाँ पर ठाकुर जी इस रथ पर विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और ये आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं बिल्कुल पास से। ये देखें आप, यही अश्व की सवारी है आज, और इसी अश्व की सवारी के साथ में ही जो दर्शन हुए थे वो आतिशबाजी के दर्शन हुए थे। ये देखें, ये है अश्व और ऊपर विराजमान है इस पर ठाकुर जी। तो कराते हैं आपको यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन, बहुत ही अद्भुत। अभी ठाकुर जी यहाँ से जा रहे हैं अपने निज निवास रंग जी के मंदिर में, और ये देखें आप, ठाकुर जी यहाँ से चल दिए बड़ा ही भव्य आनंद के साथ में। यहाँ से भक्तगण जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने भक्तों का जो सैलाब है, आज लाखों की संख्या में यहाँ पर सैलाब है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड था और इस ग्राउंड में इतने श्रद्धालु थे कि यहाँ पर आने के लिए लगभग आधा एक घंटा लग गया, और आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो आपको हम, रात हो रही है, लगभग 10 बजे का समय हो रहा है, आतिशबाजी यहाँ पर हो गई, और आतिशबाजी होने के बाद में अब ठाकुर जी चल दिए अपने निज निवास में। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, भक्तों का ये सैलाब उमड़ा हुआ है इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में। बहुत ही आनंद और ढोल बाजों के साथ में ठाकुर जी आज चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे शादी विवाह में चलते हैं ऐसे ही बैंड बाजों के साथ में, भव्यता के साथ में ठाकुर जी चल रहे हैं। रंगनाथ जी की जो सवारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अश्व की सवारी है आज, पूरे बैंड बाजों के साथ में, पूरी भव्यता के साथ में इस यात्रा को निकाला जाता है। और आज ही आतिशबाजी यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से हुई है। अभी रंगनाथ जी आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं,
जो मेला है वो बहुत ही भव्य मेला है और ये इतना बड़ा मेला है, 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और पूरे भव्यता के साथ में यहाँ पर ठाकुर जी के जिस तरीके से शादियों में डोले से चलते हैं वो भी यहाँ पर साथ में ही चल रहे हैं। बहुत ही आनंददायक आज की यात्रा रही और अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रंगनाथ जी भगवान आ रहे हैं। ये 10 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है और इसी ब्रह्म महोत्सव में ठाकुर जी 10 दिन तक भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं और संपूर्ण दर्शन भक्तों को कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर रंगनाथ जी विराजमान हैं घोड़े पर और ये घोड़ा भी पीतल का है और यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु रंगनाथ जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रात्रि का 10 बजे का ये समय है और इस रात्रि के 10 बजे के समय में भी श्रद्धालु कितने ज़्यादा उमड़ रहे हैं। यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा समय हमें लगा क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो बहुत ही अत्यधिक ज़्यादा थी। तो अभी ये श्रद्धालु जन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठाकुर जी के साथ में ही चल रहे हैं और ये अभी हम कुछ ही देर में यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँच जाएंगे। उस ग्राउंड में भी अभी लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं जिस ग्राउंड में ये आतिशबाजी हुई थी। तो यहाँ पर श्रद्धालु आप देखेंगे कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, इतने ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु चल रहे हैं। जय हो जय हो जय हो ठाकुर। अभी आप यहाँ पर संपूर्ण आनंद लेंगे इन आतिशबाजियों का, ऊपर कैसे चल रही हैं नीचे कैसे चल रही हैं। ये जो ग्राउंड है ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये कात्यायनी देवी मंदिर के पास में ही है। यहीं पर रंग जी का बगीचा भी पास में ही है और रंग जी का जो बगीचा है वो भी काफ़ी बड़ा है और ये मैदान भी बहुत बड़ा है और इस मैदान में ऊपर तक लोग छतों पर बैठे हुए हैं। उस कात्यायनी देवी के मंदिर के पास में जो स्थान है उसकी जो छत है उस पर भी बैठे हुए हैं। रंग जी के बगीचा की एक बहुत बड़ी दीवार है चौड़ी, उस पर भी पूरे लोग बैठे हुए हैं और दूर दूर तक जो दुकान बनी हुई है उन पर भी लोग समा नहीं रहे हैं। इतने लोग आज इस भव्य आतिशबाजी को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा उमड़ा हुआ है, चारों तरफ से इन बैरिकेडिंग कर रखी है और इस बीच वाले एरिया में और कोई व्यक्ति वैसे नहीं आ सकता है। बाकी ये जितने भी लोग हैं ये सभी बाहर खड़े हुए हैं। तो चलते हैं, इन लोगों को भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये अपने ठाकुर जी की इस भव्य आतिशबाजी को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर रंग बिरंगे लाल पीले हरे गुलाबी, बहुत ही आनंदमयी ये आतिशबाजी चल रही है और ये 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी। इतना बड़ा आयोजन, इतना विशाल आयोजन श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि पर, ये आप देख सकते हैं छतों पर भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। जितनी दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक केवल और केवल आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे और बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसमें ये आतिशबाजी हो रही है। यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को क्योंकि जितने भी यहाँ आने के रास्ते हैं उन सभी रास्तों में श्रद्धालु इतनी ज़्यादा संख्या में फंसे हुए हैं कि उसमें से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये श्रद्धालु सुबह से ही इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब ठाकुर जी के आतिशबाजी होगी और कब हम जल्दी पहुंचकर अपना स्थान चयनित कर लें। तो ये बहुत ही जल्दी लगभग 4 बजे से 5 बजे से ही यहाँ पर इसी तलाश में रहते हैं और हम खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 7 बजे से प्रारंभ हुई आतिशबाजी और 10 बजे तक ये चलेगी। ठाकुर जी यहाँ 10 बजे तक दर्शन देंगे और उसके बाद पुनः रंग जी मंदिर में चले जाएंगे। ये 10 दिन का आयोजन होता है। इस 10 दिन के अंदर ठाकुर जी अनेकों रूप में अलग अलग विमानों पर आते हैं, अलग अलग पालकी में आते हैं, अलग अलग उनके जो वाहन हैं गरुड़ और वो जितने भी हैं चंद्रप्रभा उन सब में
अलग अलग रूप में आते हैं रथ में विराजमान होके। तो आज इनकी जो पालकी की सवारी थी वो घोड़े पर थी। ठाकुर जी आज घोड़े पर विराजमान होके आए थे, सोने के ठाकुर जी, और यहाँ इस रथ में आते हैं। अभी आपने दो दिन पहले ही वीडियो देखा होगा रथ की यात्रा का, उस चंदन की लकड़ी में विराजमान होके आए थे। और ये साल में एक दिन ही ऐसा मौका मिलता है जब ये बड़ी आतिशबाजी होती है। तो इतनी बड़ी और ज़बरदस्त जो आतिशबाजी है उसका शब्दों में कोई बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार इतनी बड़ी आतिशबाजी चलाना किसी छोटे से बस की बात नहीं है। बड़े ही ये भाग्यशाली लोग होते हैं जो इन आतिशबाजियों को देख पाते हैं और आनंद ले पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितनी आतिशबाजी यहाँ पर रखी हुई है। अब एक एक करके ये चलती जाएंगी और लगातार ऊपर तक चलती जाएंगी। ये हमारे यहाँ पर कपड़े भी जल गए क्योंकि हम इनके बिल्कुल पास में ही पहुँच गए और आपको सांप दिखाई दे इसीलिए हम जो है इसके अंदर चले गए। हालांकि ज़्यादा कपड़े नहीं जले क्योंकि ये जो फुहारें थीं ये आगे से पीछे से चारों तरफ से चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से और कौन सा जो है ये निकल जाए। तो अभी यहाँ पर चकई चल रही है, ये देखें आप कैसा भव्य आनंद रस आज इस वृंदावन की पावन भूमि पर श्रद्धालु जन ले रहे हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण इसी तरीके से फैला हुआ है और बड़े ही उत्साहित हो रहे हैं इस आतिशबाजी को देखकर। अब ये दूसरी चकई यहाँ पर चालू हो गई है, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी पता नहीं किस तरीके की ये आतिशबाजी स्पेशल तैयार की कराई जाती है ठाकुर जी के लिए, क्योंकि शादी विवाहों में इस तरीके की आतिशबाजी मिलना असंभव है। कोई भी इस्तेमाल ऐसी आतिशबाजी नहीं कर पाता है, 10-20 आतिशबाजी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी की आतिशबाजी है और विशेष प्रकार की इसको मनाया जाता है, दिखाया जाता है, और तभी तो लाखों श्रद्धालु इस को देखने के लिए आते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ 10 दिन के मेले में संपूर्ण चीज़ें घर के यूज करने वाली मिलती हैं। तो जितने भी श्रद्धालु वृंदावनवासी ब्रजवासी और मथुरावासी आते हैं और इन यहाँ से मेले का भी बहुत ही भव्य आनंद लेते हैं और ऊपर से आतिशबाजी का भी आनंद लेते हैं। ये देखें ये भी चकई चालू हो गई है, ये इस तरीके से चालू होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चकई है, वो देखें ये भी चालू हो गई, ये ख़त्म हो गई और ये पूरे में फैल जाती है। बहुत बड़ा ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा में से बहुत ही छोटे छोटे वो निकल रहे हों। ये देखें आप, ये यहाँ पर अनार चालू हो गए हैं और ये ऊपर तक जाएंगे, बड़े ही प्रसन्न भक्तों को करेंगे और ये अब ऊपर गिरेंगे भी। अब यहाँ से लोग भागेंगे एकदम से, जितने भी श्रद्धालुजन यहाँ पर खड़े हुए हैं वो भागेंगे। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पट्टी जैसी, इसमें से बड़ी भयंकर भयंकर बम, ये देखें श्रद्धालुओं को ऊपर यहाँ पर गिर रहे हैं। अब ये श्रद्धालु भागेंगे पीछे की तरफ में, लेकिन हम नहीं भागेंगे, हम यहीं पर डटे रहेंगे। तो हमारे ऊपर ये गिर गिर के हमारे कपड़ों को जलाएंगे, क्योंकि ये जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं ये भी अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम भी अंदर जाके फोटो खींच लें। तो इसीलिए बार बार ये पीछे हट जाते हैं। और अब ये चालू हो जाती हैं यहाँ पर बड़ी बम्बें और ये बहुत ही भयंकर आवाज़ करती हैं। इतनी तेज़ आवाज़ थी इसकी कि पूरा वृंदावन गुंजमान हो गया। तो आप भी सुने इनकी भव्य आवाज़ को। आज आपने आतिशबाजी के बहुत ही भव्य दर्शन किए और अश्व की सवारी के दर्शन किए, और आज जिस आनंद रस को आपने प्राप्त किया है उस आनंद रस को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को संपूर्ण ब्रज दर्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो ऐसे ही अलौकिक और भव्य दर्शनों के लिए आपको पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। राधे श्याम।